नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं इस समय मौजूद हूँ रीवा रेलवे स्टेशन में, लेकिन स्टेशन के अंदर की बात आज नहीं। आज स्टेशन के बाहर रीवा में एक नई चीज आई है। रीवा शहरवासियों ने ये चीज नहीं देखी होगी। आप अमूमन, जैसा कि मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इस समय, ये एक कोच है जिसमें हम लोग बैठकर दूर दराज के इलाकों में सफर किया करते थे, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर काफी बदलाव नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसको एक रेस्टोरेंट की शक्ल दी गई है, वो भी स्टेशन के बाहर, इसका सीधा सा अर्थ है ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ आप नीचे पटरियाँ नहीं है, ये चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता, आज बात इसको लेकर। हमारे साथ इस कोच के संचालक तमाम लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। पांडे जी, रीवा शहर ने पहली बार देखा होगा रेलवे कोच के अंदर। अभी तक तो हम लोग यात्रा करते थे, अब यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं, आप लोगों को कुछ खिला भी रहे हैं। ये दिमाग में आइडिया रेलवे के जब आया तो आपने क्या सोचा, इसको क्यों लिया आपने? सो सर, ये जो है तो एक नई चीज है रेल कोच के द्वारा। जो भी इसमें रेस्टोरेंट में अपने पैसेंजर आएंगे, गेस्ट लोग आएंगे, जो भी आएंगे, उनके जो अपने ये हिसाब से सुविधा अच्छी दी जाए। इसमें 64 आदमी सिटिंग है इसमें बैठने का, जो अपने अंदर आपने देखा होगा, और बाकी क्वालिटी और कुछ अलग से ही लुक इसके अंदर बैठने में आता है। 64 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं एक साथ यहाँ पर एक साथ बैठ के चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, तमाम तरीके की बात, हाँ बस यात्रा नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस तरीके से आपने इसको रेस्टोरेंट की शक्ल दे दिया है, अब तो ये चालू भी हो गया है। इसको कब चालू किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इसको जो है तो अपन 31 जुलाई को ओपनिंग किया माननीय सांसद श्री जनार्दन जी द्वारा। 31 जुलाई को आपने इसकी ओपनिंग कर दी। अब इसका सीधा सा अर्थ है रीवा शहर के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, वो लोग खास तौर से जो अभी तक दूर दराज के इलाकों में यात्रा करते थे, अपने घर से खाना लेकर नहीं आते थे, तो क्या आपने उनके खाने का भी इंतजाम किया है, उनकी पैकिंग का भी इंतजाम किया, क्या किया सर, ये बताइए। सर, जो हमारे पैसेंजर लोग आएंगे इधर, वो सब देखते हुए कि रीवा में स्टेशन पे जो भी जाने आने में दिक्कत होती पैसेंजर को, खाने की चाय की जो भी है उसके हिसाब से, और पैकिंग का भी है, ऑर्डर का भी है, वहाँ मेरे को फ़ोन भी करेंगे तो अपन वहाँ भी अवेलेबल करवा सकते हैं, ताकि पैसेंजर को पार्सल सुविधा उपलब्ध ना। और कुछ पार्सल सुविधा के साथ साथ हमारे यहाँ जो हम देखिए जो 3-5 स्टार होटल में क्वालिटी मिलती है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि खाना उस क्वालिटी का दें और सस्ते रेट पर दें, खाना उस क्वालिटी का दें सस्ते रेट पर दें। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से पूरे डब्बे पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग आ जा भी रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है ये चल रहा है। साथ में दोनों और यहाँ पर टेबलें लगी हैं, पंखे लगे हैं, पूरे तरीके से दोनों कॉर्नर को, जहाँ पर स्टेशन में जब आप जाते हैं डब्बे में बैठते हैं तो लैट बात होता था, उसकी शक्ल बदल के उसको किचन का रूप दे दिया गया। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है खासतौर से। हाँ, कुछ और आप बताना चाह रहे थे? अपना इसका जो है तो किचन अपना अलग से ऊपर दिया गया है, नीचे अपना जो तो फास्ट फूड है, और इस साइड में पैक्ड आइटम जो सामने है इधर सब अवेलेबल है। अंदर सीटिंग भी है और बाहर अपना फास्ट फूड का भी वो भी है। लेट बाथरूम अंदर यहाँ दिया गया है, इधर रिसेप्शन है। अच्छा, रिसेप्शन। तमाम तरीके की, जैसा कि आपने समझा पांडे जी ने, इस कोच की एक नई खासियत बताई जो अपने आप में रीवा शहर के लोगों ने इसके पहले नहीं देखी थी। ये अपने आप में शहर के लिए एक बड़ी सौगात। हम लगातार इस रेस्टोरेंट में कई बार आएंगे और आपको पांडे जी के उस दावे की सच्चाई भी दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें पांडे जी ने कहा कि हम 3-स्टार सुविधा अपने तमाम उन लोगों को, रीवा शहर के लोगों को जो स्टेशन आते हैं उनको प्रदान करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई वो सुविधाएं हमारे रीवा शहर के लोगों को मिल रही हैं। हम उस पर भी नज़र बनाकर रखेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।